हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। हेलो एवरीवन, तो कैसे आप लोग कमेंट करके बताएं कैसे हैं आप लोग। आज हम क्या देखने वाले, मोदी जी वर्सेस ममता बनर्जी। ममता बनर्जी नाम सुना हुआ इनका, ये भी पॉलिटिशियन है। देखते हैं कि कौन सी वीडियो है, और वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वीडियो उधर भी देख लेना, उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ मैं भी कर देना। चले देखते हैं मोदी जी वर्सेस ममता बनर्जी की वीडियो। हियर वी गो। मोदी जी चैनल बी ओके और न्यूज स्टाइल। अब मक्खी मरती नहीं है, डार्क करती है, इनको सब्सक्राइब कर देना। दीदी दाढ़ी देखो यार, बंगाल की जनता 10 साल के अनुभव के बाद, ये कोविड का टाइम है, आपको एक ही सवाल पूछ रही है। उन्होंने आपको दीदी की भूमिका में चुना था। दीदी बंगाल ने आपको दीदी की भूमिका में चुना था, लेकिन आपने खुद को क्या किया, एक ही भतीजे की बुआ तक सीमित क्यों कर दिया। किसकी कौन भतीजा इनका, राहुल गांधी तो नहीं है। आपने एक ही भतीजे की बुआ होने के मोह को क्यों चुना, क्यों? बंगाल के लाखों भतीजे भतीजियों की आशाओं के बजाय आप अपने भतीजे का लालच पूरा करने में क्यों लग गई? कौन है इनका भतीजा बताएं यार। आप भी भाई भतीजावाद के उन कांग्रेसी संस्कारों को छोड़ नहीं पाई जिनके खिलाफ आपने बगावत की थी। क्या था ये ममता? चिंता करने का कारण नहीं, किंतु prevention is cured than betterness. धोखा दिया मुझे बहनों ने, बहनों ने, बहनों ने, बहनों ने, ऐ धोखा दिया मुझे बहनों ने, बहनों ने। बहनों और भाइयों, माँ माटी मानुष से विश्वासघात करने के बाद, इतना अन्याय करने के बाद, अब इन लोगों ने एक नया नारा गढ़ा। अरे दीदी, अरे दीदी, आप बंगाल की ही नहीं, आप तो पूरे भारत की बेटी है। कुछ दिन पहले जब आपने स्कूटी संभाली, व्हाट, कौन सी स्कूटी यार, क्या हो गया? सब लोग प्रार्थना करते थे अंदर गुस्से, आप सब कुशल रहे, आपको चोट न लग जाए। अच्छा हुआ आप गिरी नहीं, नहीं तो जिस राज्य में वो स्कूटी बनी है उस राज्य को ही अपना दुश्मन बना लेती। गेल में ऐसी है यार ममता जी। अगर स्कूटी साउथ में बनी होती तो साउथ दुश्मन, तो साउथ को दुश्मन बना लेती। अगर स्कूटी नॉर्थ में बनी होती नॉर्थ को दुश्मन बना लेती। अच्छा हुआ आप ठीक है, तब आप गिरी नहीं। जब आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई, स्कूटी चलानी नहीं आती। अब दीदी हम तो हर किसी का भला चाहते, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें? ओके, ओ रियल में इनको चलानी नहीं आती। मैं समझा था कोई वो बैक बिहाइंड द है कुछ, हाँ। स्कूटी का चलाई नहीं हो, उन्होंने असली में चलाई है और चलानी भी नहीं आ रही थी। और बताएं ममता बनर्जी के बारे में और कुछ, हमें बस इतना पता है कि पॉलिटिशियन है। और किसकी वो, किस उनका भतीजा, भतीजा कह रही थी, भांजा,
नहीं भतीजा कौन है यार इनका, यार कमेंट करके बताओ यार, मैं भी अभी इनका भतीजा भी राहुल गांधी ना निकले यार लेकिन राहुल गांधी इनका भतीजा तो ये कितनी साल की हो? नहीं उस, आप लोग कमेंट करके बताना कि कौन है ममता बनर्जी और मोदी जी, मतलब के फुल उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा ममता जी ने तो मोदी जी बोल रहे, आप लोग बताना किस मतलब के, क्योंकि दीदी भी कह रहे थे साथ, मतलब रिस्पेक्ट से कह रहे थे बहुत मोदी जी, क्रिटिसाइज भी कर लेते तो रिस्पेक्ट से कर लेते, ये अच्छी बात है। ममता जी का कोई बयान ही आया मोदी जी के, कुछ बोलती ना मोदी जी को रिप्लाई देती। आप लोग भी कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा रिएक्शन लाजमी बताना, और भी कोई ऐसी वीडियो हो वो भी कमेंट करके बताना, हम जरूर देंगे। तो क्या करना है आप, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरह, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।